मैं दिल से, अब देखो मेरा नेचर के बारे में तो जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है वो लोग जानते हैं मेरा जी नेचर कैसा है। बट आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूं कि मैं अपनों को लेके आई एम अ रियली इमोशनल पर्सन, जिसको मैं अपना मानता हूं, जिसको मैं अपने दिल में जगह देता हूं, उन लोगों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता हूं। तो वहां पे मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ सामने वाले को कि क्यों क्यों करना है, किस लिए करना है, वो सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ भी चीजें कर देता हूँ, ठीक है। गुस्सा मुझे बहुत ही कम आता है, ठीक है, गुस्सा मुझे बहुत ही कम आता है, और चाहे मुझे कोई कुछ भी बोल दे मैं जल्दी इतना रिएक्ट नहीं करता हूँ, हाँ, वो चीज मैंने ठीक है। देखी है आपकी लाइफ में। हाँ, तो ये मेरा नेचर है, बेसिक नेचर है मेरा। और जब मुझे कुछ करना होता है तो मैं सारी चीजों को, कोई भी लाइफ में कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले मेरा जो विजन होता है, विजन, वो विजन मेरा बहुत दूर तक का होता है। मैं बहुत सारी चीजों का मैथमेटिक्स लगाता हूँ, उसके बाद मैं वो स्टेप लेता हूँ। ओके हाँ, और वो स्टेप फाइनेंशियली स्टेप नहीं होता है, फाइनेंशियली तो मुझे कोई मतलब के कोई इश्यू नहीं है, बट मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि ये स्टेप लेने से मेरी जिंदगी में कितना चेंजेस आएंगे। हाँ, ये सारी चीजें मैं सोचता हूँ। और ये एस्क्यू रहा है भाई, तू इतना हाँ, कैसे सर बिलीव नहीं हो रहा कितना है, बिलीव नहीं हो रहा है उससे, अभी जुड़ गया मैं। चलो पुनोरी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपकी लाइव हमेशा देखती हूँ। एक दो बार ऐड हुई हूँ, बहुत पहले, 1-1.5 साल पहले हुई ये थी तुम्हारा वो ऐड में। पति है क्या? उसके तुम बाद दोनों एक की दिन, शक्ल एक एक दिन दूसरे हुई से थी। मिल रही है लड़की, ये तुम्हारा पति नहीं है क्या? ये सॉरी, ये जो मेरे अभी आया पति है, नहीं है। नहीं, मेरे पति नहीं है, सॉरी सॉरी। थैंक यू पुनोरी जी, मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और मैं आपकी लाइव भी देखती हूँ, और जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, बड़ी ऐसे प्यारी सी सुलझी हुई, जहां जहां पे मुझे गालियां वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है जहां गालियां ना सुननी पड़े। नहीं, बहुत तो मैं उस तरह की सारे लाइव देखती हूँ लोगों जहां गालियां हो मैं वहां से। को, बहुत और आप ऐसी गालियां नहीं सारे, देते हो, मैंने मैंने नोटिस किया, आप हमेशा तब देते हो जब कोई आगे से बदतमीजी करता है। तो अब आप खुद चली जाएंगे कि हम आपको चप्पल मार मार के भगाएं? जी, भैया जी प्लीज ठीक है, ऐसा मत चलिए। बोलिए, मुझे चप्पल मार के भगाने की नहीं जरूरत नहीं है। नहीं थैंक यू अगर आप ऐड इसी करने के लिए, तरीके से थैंक यू पुनोरी बकचोदी जी। करती रही तो मैं जरूर चप्पल उतार उतार के आपको मारूंगा। प्लीज आप चले जाइए, थैंक यू। आप बोल रहे खरगोश। हाँ पनोड़ी भाई, इससे बात करिए। हाँ भाई, ये क्यों इतना हंस क्यों रहा है? मतलब इसके अंदर हंसी की इतनी खुशी मिल रही है तुझे? मुझे चेंज हुआ देखकर तुझे खुशी मिल रही है अंदर से? सर मेरी जिंदगी सफल होगी, मतलब मैं, क्यों? मुझे पता भी नहीं मैंने रिक्वेस्ट कब भेजी है और ये इन्होंने एक्सेप्ट कब की। बस मैं अभी देखो जो है रात के इतने टाइम बजे से मूवी देखा था, लेकिन जैसे ही आपको देखा 2-2 मिनट बाद मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ कि कब आप भाई, लाइव अब आए। आपकी जिंदगी तो सफल हो गई तो क्या आप लाइव में सुसाइड करके दिखाएंगे क्या? नहीं, अभी जिंदगी जीनी और अभी लाइव देखनी सर की, जब तक ये सर जो है अभी इनका ज्ञान जो ये इतना ज्ञान, अब जो ये ज्ञान देने वाले हैं, आज तक तो जितनी मजे लेने से लाइव के, जितनी कंट्रोवर्सी सुननी पनोड़ी थी भाई, सुन आपको ली, मालूम ये कौन सा अब जो ये व्यूअर ज्ञान है? ये देने अभी हैं आपको वो आके यहाँ पे टट्टे चाट रहा, नीचे उतर के बोलेगा कि क्या बकचोदी कर रहा है, यही कमेंट करेगा भोसड़ी नहीं वाला। नहीं 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 ये ऐसे नहीं नहीं व्यूअर सर, है? मैं बहुत पहले से, नहीं, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ सर, बहुत पहले से आपको देख रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आज आपसे जुड़ रहा हूँ। कहाँ से हो तुम? सर मैं जम्मू में एक जगह है, J&K में, जम्मू भद्रवाह एक जगह है, वहां से हूँ। अच्छा, भाई मैं हिमालय ही आ रहा हूँ, मैं पांच जी छह जी महीने जी बाद। हाँ जी 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 हाँ तो 5-6 महीने बाद मैं वहीं पे ही आ रहा हूँ, हिमालय में जा रहा हूँ 5-6 महीने बाद। तो जी सर आइए, यहाँ पर एक कैलाश पर्वत है, यहाँ पर आ जाइए आप, तो साथ ही चलेंगे हम। 4 दिन की पैदल यात्रा जाने करना पड़ता है, और वहां पर जो है अकेला आप और मैं जो है आपके साथ चलूंगा मैं। अच्छा, तो जी तुम करते क्या हो मतलब के जिंदगी जीने के लिए? जिंदगी जीने के लिए सर एक सरकारी नौकरी मिली है बस, उसमें मन तो नहीं है खास कोई तो, लेकिन कर रहे हैं फिर भी। कौन से डिपार्टमेंट पे करते हो सरकारी नौकरी? कौन सी सरकारी नौकरी जेल में हूँ एक्चुअली, किसमें? अच्छा, जेल जेल में में ड्यूटी है जेल तुम्हारा? में। हाँ जेल में ड्यूटी है।
यार, जेल में ड्यूटी होना मतलब कि वहां पे बहुत सारे लोग तुम्हारे सामने कन्फेस करते होंगे कि यार जिंदगी की बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी, एक गुस्से में आके मैंने कोई गुनाह कर दिया, और बिल्कुल सर, बिल्कुल 5 मिनट का गुस्सा कि मुझे पूरे जिंदगी की मुझे सजा मिल गई, राइट? भाई गुस्सा तुम्हें सच बताता हूं मैं, गुस्सा तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगा, प्यार तुम्हें, प्रेम तुम्हें उजाले की तरफ ले जाएगा, और विवेक और प्यार वो दोनों अगर तुम में होगे तो वो तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, समझते हो? बिल्कुल सर, हाँ, तो भाई ये गुस्सा करना बहुत ही गंदी चीज होती है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने क्राइम करके वो गुस्सा होता है 10-15 मिनट का, और वो 10-15 मिनट के गुस्से के अंदर उन लोगों ने पूरी जिंदगी उन लोगों की जेल में जाती है, उसके पीछे उनकी फैमिली, उनके बाल बच्चे सब लोग रोते हैं भाई। बिल्कुल सर। अभी जस्ट अभी 2 दिन पहले ही एक लेडी आई, उसने अपने 2 साल के स्टेपसन को जो है गला घोट के मार दिया। गला वाह, घोट के कितना मार दिया, अच्छी 2 साल के लड़की थी वो स्टेपसन को। तो। वाह, सर और जो जो वहां पर आते हैं तो आप पछताते हैं कि हमने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की। अब अंदर रोते हैं, दिन भर रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन पछताते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए जिएंगे, हमें छोड़ दो, लेकिन अब वो निकल नहीं सकते हैं। हाँ सोचो, वो 10-15 मिनट का गुस्सा होगा उसका, बिल्कुल बिल्कुल और दस बिल्कुल पंद्रह बिल्कुल मिनट के गुस्से ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बिल्कुल सर। है ना? तो और भाई बात यही यही सारी चीजें होती है जिंदगी के अंदर, ठीक है? तो यार ये गुस्सा भाई बहुत ही आदमी मतलब के इंसान का एक अंदर का एक ऐसा स्वभाव है गुस्सा, जिसमें लोग बहुत सारी चीजें कर जाती है, लेकिन जो लोग शांत होते हैं, जिनमें विवेक होता है, जो पेशेंस वाले होते हैं, जो लोग चुप रहते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं, सिचुएशन को संभाल लेते हैं, भाई वो लोग जिंदगी में बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत मतलब के वो लोग सक्सेस के उस पॉइंट पे जाते हैं जहां पे लोग सोच नहीं सकते। जी सर। हाँ तो यार ये गुस्सा देख, ये गुस्सा करना, ये सारी चीजों से कुछ कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है कि तुम्हारी मन की शांति खराब होती है, और तुम्हारा जो आसपास का जो माहौल होता है वो सारी चीजें खराब होती है, और कुछ खराब नहीं होता, ठीक एक्चुअली है? सर, लोगों में ईगो की भी बहुत बात आ जाती है, ईगो पे एक दूसरे को मारने पे जो उतारू हो जाते हैं। सही बात है यार तुम्हारी, अब लोग समझते नहीं है ना, ईगो जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। कौन सा ईगो, क्या है तुम्हारा, कुछ है तुम्हारा भाई? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये सांस तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो किस चीज का ईगो, किस चीज का ईगो भाई? जब तक सांस आ रही है, आ रही है, जब नहीं आएगी तो तुम्हारी मर्जी से सांस ले पाओगे, जब सांस नहीं आएगी तो तुम्हारी मर्जी से तुम सांस तक नहीं ले पाओगे, ठीक बिल्कुल है? सर, तो अभी जिसने जन्म दिया, जो तुम्हें सांस देता है, वो ही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा है भाई। तुम्हारी बॉडी खुद की नहीं है, तुम्हारी इवन तुम्हारी जमीन जायदाद तो छोड़ो, तुम्हारी सांस भी तुम्हारी खुद की नहीं है। जब तक आ रही है तब तक आ रही है, जब नहीं आएगी ना तो तुम्हारी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाओगे। तो भाई किस चीज का ईगो, किस चीज का ईगो? अरे सर टट्टी वाले तू भी कुछ बोलना, इतनी देर से ऐड ऐड करके कमेंट कर रहा था, अब आ गया तो कुछ बोल ही नहीं रहा, चड्डी दिखा रहा है अपना। नमस्ते प्रणाम और भाई कैसे हो? भाई, सब बढ़िया। प्रणाम भाई, आप कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। कहाँ से हो भैया तुम? भाई मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। मैं आपकी लाइव देखता हूँ बहुत दिनों से, कम से 2-2.5 साल से देखता हूँ आपकी लाइव, दीपक कलाल अच्छा वगैरह अच्छा जो अच्छा आप करते थे, अब मैं बहुत पहले से लाइव देखता हूँ। जो ये सही मैं बात है। पोस्ट के लिए ऐड हुआ हूँ, जो ये पोस्ट क्या नाम है इनका, जो भी बोलते हैं, अब मैं इनके लिए ऐड हुआ हूँ। तो सोच भी देखती हूँ ठीक है,
क्या बोला? ये करूँ वो करूँ, अच्छा वो तो हाँ आप हाँ बोल ये क्या पहले करूँ नेटवर्क सही कर, नेटवर्क सही कर, क्या बोल रहा है? यार, तुम्हारा आवाज नेटवर्क नहीं आ बहुत रही ही भाई। गंदा नेटवर्क है। नेटवर्क तुम्हारा इतना अच्छा मत है। अच्छा मैंने उस लड़की को बोला था चप्पल से मारूंगा ये वो, तो वो गलत बोला था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बोल रहे हो तुम। हेलो, तो मैं तेरी माँ बहनों को भी जूते चप्पल से मारूंगा मादरचोदो, तेरे बूढ़े बाप को नंगा करके चौराहे पे खड़ा कर दूंगा, रंडी के बच्चे बहन के लंड चड्डी में आया है मादरचोदो, ध्यान की बातें, चुप रहा भाग तेरी माँ इतना चुप रंडी जी का दम्मा, पुत्र। इतना दम्मा। हाँ पनोड़ी भाई बात करिए। हाँ क्या अपन ज्ञान व्ञान की बातें कर रहे थे, तो गुस्सा जी सर, बहुत बहुत अच्छा खतरनाक लगा सर चीज आपसे होती है मिलके और इंसान बाकी। के अंदर धैर्य होना चाहिए। हाँ हाँ जी जी सर जी। हाँ और अभी एक्चुअली लेडीज तो कम है जिस जेल में यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर लेडीज तो कम है, लेकिन अभी 2 दिन पहले भी एक लेडीज आई जिसने अपने लवर के साथ मिलके अपने पति की को हत्या करवा दी उसकी। ओहो, इस जेल में देखो से भाई, चार अभी चार लेडीज है, मतलब इस जेल की अभी स्ट्रेंथ वन अभी नाइनटी अभी वो लेडी को मैंने बोला कि भाई जो जो समाज की एक व्यवस्था है जिसको हम जिसको बोलते हैं हम अरेंज मैरिज, जो एक हमारे समाज की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के अंदर सामने वाले पर्सन की मर्जी हो या ना हो, वो अरेंज मैरिज इसीलिए होता है एक दूसरे की लालच की वजह से। या तो लड़के को अच्छा दहेज मिल रहा है, या तो कोई होता मिल रहा है, या तो कुछ मिल रहा है, या तो लड़की को कुछ मिल रहा है, सरकारी जॉब वाला लड़का मिल रहा है लड़की को, ठीक है, इसीलिए लड़की शादी कर लेती है, लड़का पैसे वाला होता है इसीलिए लड़की शादी कर लेती है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखो भाई, अब भी मैंने बोला, अब भी आप एक लेडी ने आके सवाल पूछा था, अब भी मैंने बोला। बिल्कुल सर, उसको उसको यही बोला गया लेडी को कि आज तो इतनी फ्रीडम, आज तो इतनी 2023 इतना एडवांस जो है अब समाज हो चुका है, तो मरवाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप डाइवोर्स ले लेती है और अपने लवर के साथ शादी कर लेती है, लेकिन ये गलत किया जो है अपने पति को मरवा दिया, सोचो, वो चुपचाप डाइवोर्स ले लेती और उसके साथ जिंदगी जी लेती, लेकिन उस पति की क्या गलती थी जो उसको उसने मरवा दिया। अब उसका लवर और दोनों वो लड़की भी जो जेल में अंदर, उनको अलग अलग बैरक में रखा जाता है, दिन को 2 मिनट मिल लेते हैं, लेकिन वो अब अलग अलग जेल में, एक ही जेल में अलग अलग बैरक में रखे हुए हैं। बहुत सारा केस होता है यार। जी सर जी। तो ये समाज में बहुत कुरीतियां फैली हुई हैं सर, वो अंदर पछताते हैं। एक मीना तो बड़े टशन में रहते हैं, जो नए नए कैदी आते हैं वो बहुत टशन में रहते हैं कि हमें हथकड़ियां नहीं पहनाई जाएंगी, हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनके अंदर पिटाई होती है तो फिर वो एक महीने बाद तंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने ये क्यों किया, रोते हैं पछताते हैं और बोलते हैं कि अब एक बार हमें अगर चांस मिल जाता हम अपने माँ बाप के लिए जीते, हम अपने भाई बहनों के लिए जीते, लेकिन अब शायद उनको शायद दोबारा चांस ना मिले। सही बात है यार, अब क्या हाँ कहाँ से चांस मिलेगा, कहाँ से चांस मिलेगा भाई, और हो तुमने सकता है क्राइम यंग, किया। बिल्कुल सर हाँ कहाँ से भाई, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये सारी चीजें, यार मैं सच बोलता हूँ बाबा, ये सारी चीजें ना इंसान को खोखला कर देती है, अंदर से मार देती है, और स्त्री के प्रति जो एक स्त्री के प्रति एक लोगों को जो एक लांछना होती है, एक लालच होती है, बहुत सारी चीजें करवाती है वो, बहुत सारी चीजें करवाती है वो लालच की वजह से, सिर्फ वो एक एक मोह की वजह से लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, इतने सारे झगड़े हो जाते हैं, मार कुटाई हो जाती है, तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी चीजें मैंने तैयार की है, मैं लोगों को बताऊंगा, आई होप कि भाई लोग समझ पाए उसको, ठीक है, तो भाई मेरा बदला हुआ रूप बाबा तुम्हें कैसा लगा, सच बोलना। सच बोलना है लाइव में हाँ सच बोलना, यार, मेरे को डिसिप्लिन सच बोलना लानी है पड़ेगी भाई, पनोड़ी में,
हाँ मेरे को डिस्प्रिन खानी पड़ेगी, मुझे बहुत बेकार लगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जो ज्ञान चोतते हैं या ज्ञान की बातें करते हैं, मैं उनसे दोस्ती खत्म कर दूं, और अरे मुझे बहुत ज्ञान अच्छी की बात जरूरत बोल रहे हैं नहीं आप। है। आप गाली दो, आप गाली देने के लिए बने हो। भगवान बनने के लिए सब कोई इंसान है यहाँ पे, हर इंसान अपने अंदर भगवान देखता है, और यार हम अपने अंदर राक्षस देखते हैं। मैं राक्षस डेवलप कर रहा हूँ, तो कलयुग जैसे जैसे चरम में आएगा तो हम लोगों को और खतरनाक बनना है, ना कि साधु बनना है। नहीं, मैं साधु नहीं बना हूं, मैं तो परमात्मा के लिए, परमात्मा की खोज में निकला हूं बाबा, तो मैं नहीं परमात्मा हूं, की ठीक खोज है। में क्यों निकलना है पनोड़ी भाई? बट जो इंसान अपने आप को ही भगवान मानने लगे तो उसको क्या परमात्मा की खोज करना है? तो आप अपने आप को भगवान मानने लग जाइए, अपनी ही फोटो के सामने अगरबत्ती लगाइए, ये करिए, तो मिल गया परमात्मा। क्यों ढूंढना हमको परमात्मा को? और कलयुग है पनोड़ी भाई, यहाँ पे हम जितना ज्यादा पाप करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। पुण्य नहीं करना है हमको। हाँ, मुझे वहां पे बोला था कि कुछ ऐसी बुरी शक्ति आएगी तुम्हारे आसपास, तुमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हें वो बुरी शक्तियों से बच के रहना मुझे वहां पे बोला था। हाँ, दारू यार देखो दारू एक बाबा, बार फिर से। हाँ एक बार, दारू और थोड़ा सा दिख नहीं रहा था कमेंट में। हाँ, अब एक सिप लीजिए फिर इसके बाद ज्ञान दीजिए। हाँ, तो लोग ये समझते हैं कि दारू पीना पाप है। नहीं, पाप नहीं है दारू जब तो। जब अंगूर खाना पाप नहीं है, जब जिस जिस फ्रूट से हाँ ये हाँ दारू दारू बनती पीना, है वो खाना पाप नहीं है, तो भाई भाई कौन से, मैं तो ये कोई लिखे हुए पाठ जो दंत कथाएं हैं उन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता हूं मैं, ठीक है। किसी ने नहीं बोला है कि अंगूर भाई में मदिरा केमिकल पान नहीं डाला ही जाता पाप पनोड़ी है, भाई, इसलिए अंगूर खाना पाप नहीं है। किसमें अंगूर में तो केमिकल, तो बाबा हम रोज हर केमिकल्स तो यार हम लोग हर रोज खाते हैं, सुबह उठ के हम लोग केमिकल ही तो खाते हैं ना, सुबह नहीं, उठ के कुछ भी पाप नहीं है इसमें। जो भी खाते हैं भाई, तुम जो रोटी खाते हो वो भी हाइब्रिड से, वो गेहूं को पकाया जाता है, भाई कोई भी चीज ले लो, सारी चीजों में तो केमिकल है। बिल्कुल सर, ये तो सोमरस है, ये तो बहुत देर से चला हाँ आ रहा है, बहुत ग्रंथों में भी सोमरस इसका भी। मेंशन किया हुआ है। भाई मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, मुझे जो तो लगेगा हमारे जेल वैसे के मैं कैदी जीऊंगा, को, जेलर साहब, ठीक हमारे है। जेल के कैदी को सोमरस क्यों नहीं पिलाते हो? नहीं सर, वो लिमिट में, अगर हर ये चीज भी लिमिट में पी जाए तो अब बहुत तो सारे लोग इसको, अच्छा, मैंने अभी ये सुना है जेलर साहब, मैंने ये सुना है कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसके अंदर जो अंदर के मुजरिम होते हैं वो लोग अपनी वाइफ को एक हफ्ते के लिए उनकी वाइफ उनके साथ रह सकती है, तो क्या ये बात सच है? हाँ, सही है नहीं सही नहीं है। सर, ऐसा नहीं है, सेक्स कर, वो अरे बस वो सेक्स, अरे मिल एक सकते, हफ्ते की नहीं, पर ये है कि बीच बीच में आप सेक्स करने की परमिशन दे सकते हो कैदी को अपनी वाइफ के साथ। पता नहीं सर, हाँ ऐसा नहीं कोई नहीं नहीं अभी, हुआ है हाँ ये, मजाक नहीं है, मजाक हाँ हाँ ये मजाक लो, नहीं हुआ है। अभी ये लो पंजाब गवर्नमेंट हाँ ने ये जो नया लो उन्होंने बनाया है, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी जो बड़े बड़े मंत्री महामंत्री है, जिन लोगों को लगता है कि भाई हम लोग जेल जाने वाले हैं वेरी सून, राइट, तो उन सब लोगों ने पंजाब हाई कोर्ट के अंदर अपने केस लगाने की अपील की है, क्योंकि उन लोगों को वहां पे, चलो ये लोग वाइफ, ये जो होते हैं ये लोग वाइफ के साथ तो रहते नहीं है, इन लोगों को तो रात को रंडिया चाहिए, हेलो भाई, क्या सोचे? ने पहले से ही अपनी एप्लीकेशन वहां पंजाब हाई कोर्ट में लगा दी है। बाबा पता है तुम्हें ये बात?
भाई साहब आपका नेटवर्क सही नहीं है। हाँ, नेटवर्क ठीक है सर। और पनोड़ी भाई कैसे हो आप? बस मैं ठीक गेहूं हूँ। और सर, कहाँ से हो तुम? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, भाई तुम तो मतलब के मिलिट्री में लग रहे हो। हाँ, मैं मिलिट्री में हूँ। अच्छा, मतलब के ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो तुम। आर्मी। अच्छा, आर्मी में हो। बेसिकली हाँ, आप कहाँ से हो? बेसिकली मैं हिमाचल धर्मशाला से हूँ पनौड़ी भाई। अच्छा, धर्मशाला, वो जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां पे। अच्छा हाँ, उसके क्रिकेट ग्राउंड से थोड़ा दूर है, तहसील पड़ती है मेरी वो। तो कितने साल से भाई आप ड्यूटी पे हो? मेरे को पनौड़ी भाई हो गए 9 साल। ओ, 9 साल से हो आप आर्मी में। हाँ, 9 साल से। वाह भाई, देखो मैं तो बाबा सही में सही बताता हूँ एक चीज। मैं बहुत बार आता था आपके साथ लाइव पे, बहुत बार बोला ऐड करने के लिए, लेकिन आज बहुत ज्यादा कमेंट किए तो बाबा ने ऐड कर लिया। चलो अच्छी बात है। यार सच बोलता हूँ मैं एक चीज तो, कि इंडिया में ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर है लोग बाबा, जो मुझे जानते हैं। देखो भाई, ये बंदा जेल में ड्यूटी करता है, ये भाई अपना बंदा इंडियन आर्मी में है, राइट? तो भाई बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ी पोस्टों के ऊपर है ये अपना। एक तो दो तीन बंदे नेवी में, इंडियन आर्मी में नेवी में है वो लोग। वो लोग भी मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरी लाइव देखते हैं वो लोग, ठीक है? तो यार बाबा, बात ये होती है कि जो अच्छे लोग होते हैं, आज भी अच्छे लोगों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा है बुरे लोगों के कंपेयर में, इसीलिए ये दुनिया चल रही है, ठीक हाँ है? तो यार अब हम लोग डेविल बनेंगे तो डेविल को डेविल ही मिलेगा यार। प्रेम खोजने मिलेंगे तो सामने प्रेम मिलेगा। सही बात है। सीधी सी बात है ना। अब अच्छी लाइव चलेगी तो भाई हो सकता है कल हमारी लाइव पे मोदी जी भी आके बैठे। मोदी जी हमारे ज्ञान से प्रभावित हो जाए। भाई सही बात। मोदी जी को आज तक क्यों कोई हरा नहीं पाया, पता है तुम लोगों को? उसके अंदर मोदी जी को अतीतता है आज तक, कुछ भी काम करने की ना। मोदी जी को आज तक इसलिए कोई हरा नहीं पाया क्योंकि वो बंदे का जो उसका जो विवेक है, और उसके अलावा एकाग्रता, समझते हो ना, एकाग्रता, हाँ, कंसंट्रेशन। हाँ, और उसका जो विजन पावर है, वो तीनों का मिलाप इतना स्ट्रांग है वो बंदे के अंदर। और चौथा उसके अंदर ये है कि उसके पास खोने को कुछ है ही नहीं, वही है, सही बात बोले आपने। कुछ उसके पास खोने को कुछ है ही नहीं। आज पीएम है, कल नहीं रहेगा, तो वो तो बंदा चल पड़ेगा हिमालय की तरफ। वही उसका जो मतलब झाड़ियों में रहना, जंगलों में सोना, पानी पीना, बस सही बोला उसको आपने, किसी की बिल्कुल सही जरूरत बोला। ही नहीं है। तो ऐसे 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 बंदे को कोई नहीं हरा सकता। और उसका जो पावर होता है ना, हाँ, वो वो विश्वव्यापी होता है। बोला आपने। हाँ 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 ठीक है भाई, मोदी को 10 साल हुए ना इंडिया में। हाँ 10 साल, सर 14 में मुझे आए थे। आज मुझे भी आज याद है, है 2 लाख। हाँ, मुझे आज भी याद है कि जब मैं इंडिया में था सालों पहले, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चौराहे पे बैठते थे, पान की दुकान पे बैठते थे, चाय की टपरी पे बैठते थे। उन लोगों को हाँ टैक्स टैक्स क्या चीज है वही नहीं पता था। सही बात है। आज आज पूछो किसी को टैक्स, सबको पता है। अब तो जीएसटी, सारी चीजें पता है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल सर, हाँ, पहले तो किसी को पता ही नहीं था ये टैक्स क्या होता है। अब तो सब लोगों को पता है कि भाई टैक्स ने तो मार डाला, जीएसटी ने तो कंगाल कर दिया, हाँ, राइट? तो भाई ये सारी चीजें डेवलपमेंट ही है ना। सही बात है अपने भाई। हाँ,
भाई जो पब्लिक के लिए काम करेगी, जो पब्लिक का भला करेगी, वो गवर्नमेंट हजारों सालों तक आएगी। वो गवर्नमेंट को अपना प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है, लोगों को पता ही होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया। नौड़ी भाई आप मानोगे नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे दुनिया बोलती है लाइव के अंदर, हाँ तू आजा मेरी लाइव के अंदर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, एक मैं बड़ाई नहीं करना चाहता। मैंने अपनी 9 साल की सर्विस में ऐसा कुछ देख रखा है ना, ऐसा कुछ देख रखा है हमने कि बंदा बन के देख के डर जाए उस चीज को, ऐसी चीजें देख रखी हैं। बेसिकली अगर आप आर्मी में हो तो वो गोली बोली वो सारी चीजें तो आपने देख रखी होगी। गोली तो नॉर्मल है पनौड़ी भाई, गोली तो नॉर्मल है। सोचो भाई, ये बंदे ने इतनी सारी गोलियां देख रखी है और ये लोग गाना बनाते हैं, और गाना भी कैसा बनाते हैं कि जिसको मैं मार के डॉन बनिया वो भी तो एक बहुत बड़ा डॉन था। तेरे जैसे 10 को मार के मैं डॉन बनिया, वो 10 के 10 ही डॉन थे। सोचो, बात है प्रणोड़ी भाई। ऐसे ऐसे तो ये लोग सॉन्ग बनाते हैं। वो एक कौन सा सॉन्ग था भाई बाबा, भोरी भरी कोर्ट में गोली चला दूंगा मेरी जान। सोचो, ऐसे ऐसे तो ये हवाबाज लोग सॉन्ग बनाते और वो जो हवाबाज लोग होते हैं उसके ऊपर रील भी बनाते हैं। फिर भाई क्या सही है ये? बात हाँ, वो मोहित चौधरी था एक बाकी। बंदा। भाई सुनो, आर्मी वाले भाई साहब, हाँ, एक मोहित बोलो चौधरी बोलो नाम भाई। का बंदा है, उसने ये बोला कि मेरे पैरों में गोली लगी है। अच्छा दूसरे दिन वो बंदा रील डाल रहा था, डांस वाली। अच्छा क्या ही है, लोगों का क्या बताओ। अब तुमको बताया कि भाई जब गोली लगती है तो क्या होता है वो, ठीक है, सर मैं सबको बताता हूँ। बताया कि देखो पनौड़ी भाई मैं आपको एक हाँ, पनौड़ी भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ। गोलियां आजकल जो गोलियां आती हैं, पुरानी वाली गोलियां नहीं रही, आजकल AK-47 के अंदर जो गोली डालती है, चाहे पैर पे लगे कहीं भी लगे बंदे को, मात्र 10 सेकंड के अंदर पूरा जहर फैला देती है शरीर में। और AK की जिसको गोली लगी वो बंदा जिंदा बचता ही नहीं है। सोचो। ना, छोटे मोटे क्रिमिनल AK-47 से थोड़ी फायर करते हैं, हाँ वो भी है। आतंकवादी अरे चलो करते हैं बाबा, एके कट्टे फोर्टी से, सेवन अरे से या बड़े लेवल पे। बाबा हाँ, कट्टे से अरे मारते हैं। कट्टे से, कट्टे से, अरे छोड़ो छोड़ो, कट्टे की भी बात जाने दो। मैं तो ये बोलता हूँ वो जो जानवर मारने की जो गन आती है ना, उससे मारा उसको, लेकिन वो भी तो हर्ट करती है ना बंदे को। हार्ट नहीं, करती वो है। बात सही है, वो बात सही है, पर इनको मैं AK-47 का बता रहा था। AK-47 तो इतना पॉसिबल नहीं है भाई बाबा। ये मैं बंदा आपको तो एक दूसरे, चीज, देखो अरे ये बाबा बंदा मैं तो, आपको अरे अरे आर्मी वाले भाई साहब, ये तो बंदा दूसरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रील बना रहा था कि मैं जिस दिन जमानत अच्छा पे बाहर आऊंगा मैं महंगे से महंगा तेरे लिए लहंगा लेके आऊंगा। सोचो, सही बात। उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो जेल चला जाएगा, और इमेजिन में चला गया था वो बंदा, अच्छा और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये सॉन्ग डाला था उसने अच्छा कि उस, मतलब एक इमेजिन लाइफ समझते हो ना, सपनों की दुनिया। हाँ समझता हूँ सर। भाई, हाँ बंदा सपनों में ही जेल चला गया और जेल से जमानत भी उसकी हो गई, और अपनी बंदी के लिए वो महंगे से महंगा लहंगा भी लेके आया। इतनी हवाबाजी, सोचो।